हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोमी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके पास वंशियन फैन फिक्शन सम वन स्टॉप इज माय बॉटम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग और वांग जी के रिसेप्शन की तैयारियाँ हो चुकी थी और शी चैंग और जंगशा ने सारी तैयारियाँ किया था। तो जंगशा नाराज़ हो गया और कहा, अगर तुम दोनों नहीं आए तो कान पकड़ कर खींच के ले आऊँगा। तो फाइनली हमारा विंग उठता है और कहता है, चलो वांग जी, हमें जाना ही होगा। लेकिन वांग जी के दिमाग में कुछ और आ गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलना, ओके। तो चलिए अब फाइनली बढ़ ही जाते हैं आगे। वांग जी के दिमाग में कुछ और आ गया था, वो कुछ और सोच रहा था। फिर वांग जी कहता है, चलो अलग अलग जाकर बहुत टाइम वेस्ट होगा, दोनों साथ ही नहा लेते हैं। विंग ने तो सोचा ही नहीं था कि वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो कैजुअली कह देता है, हाँ ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो मुझे थोड़ा सा कम डांट पड़ेगा, मेरा छोटा भाई मुझे बहुत डांटता है और इसके गुस्से का सामना तो मैं खुद भी नहीं कर सकता, कहकर हमारा विंग बहुत ही कैजुअली उठ जाता है। लेकिन उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर वो वांग जी की ओर गुस्सा करके कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से हर बार मेरी ये हालत हो जाता है। और फिर वांग जी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड को थोड़ा सा लव करने भी नहीं दोगे? फिर विंग नाराज़गी दिखाकर कहता है, अब चलो जल्दी नहाते हैं। और वांग जी एक क्यूट सा स्माइल दिखाकर, जब विंग दूसरी ओर मुड़ता है तो एक डेविल वाली स्माइल देता है। और फिर दोनों साथ में वॉशरूम जाते हैं और वांग जी विंग को धक्का देकर बाथटब में गिरा देता है और उसके ऊपर आकर उसे ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है। वो बाथटब बहुत ही बड़ा और आलीशान था, वो जकूजी कहते हैं ना वैसा, नॉर्मल बाथटब जैसा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, आलीशान और रोमांटिक सिचुएशन वाला था। वांग जी विंग को बहुत ही ज़ोर से कस के पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था, वो फिर भी वांग जी को कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें देर हो रहा है, चलो जल्दी करो, हमें नहाना है। लेकिन वांग जी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से सक करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट हो गया और इंटीमेट होकर ही उसे पुश करते हुए उसे किस, सक और बाइट करने लगा। विंग को बहुत पेन हो रहा था क्योंकि इस तरह उसने कभी कुछ किया नहीं था। और फिर वांग जी विंग को उल्टा घुमा देता है और पीछे से उसके साथ इंटीमेट होता है। विंग बहुत तकलीफ़ में था और साथ ही उसे काफ़ी प्लेजर भी महसूस हो रहा था। विंग इस मिक्स फीलिंग से और ज़्यादा परेशान है और इसी की वजह से वो वांग जी को कुछ कह भी नहीं पाता और हमेशा ब्लश करने लगता है। फाइनली वांग जी सेटिस्फाइड हो गया था और फिर दोनों साथ नहाते हैं। और फिर विंग काफ़ी ब्यूटीफुली तैयार हो गया था। जब वो दूसरी ओर मुड़ा तो वांग जी को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुख खुला का खुला रह गया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और फिर वांग जी उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ में निकल जाते हैं अपने वेडिंग रिसेप्शन के लिए। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनके आसपास के सारे लोग गुलाब की पंखुड़ियाँ दे रहे थे, उछाल उछाल कर गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंक रहे थे दोनों पे। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सिचुएशन था, बहुत रोमांटिक। दूसरी ओर शी चैंग वो उन दोनों की ओर गुलाब की पंखुड़ियाँ ना फेंक कर आचिंग की ओर फेंक रहे थे। बेचारा आचिंग तो अब इरिटेट हो गया था, वो हटकर दूसरी ओर जाने लगता है पर शी चैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए दूसरे जगह पर ले आता है जहाँ पर कोई नहीं था। और फिर बिना परमिशन लिए ही शी चैंग आचिंग को किस करने लगते हैं और आचिंग इतना शॉक्ड हो गया था कि बेचारा हिल भी नहीं पाया। और थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि शी चैंग उसे किस कर रहे हैं। आचिंग उन्हें धक्का दे देता है और फिर एक जोर से थप्पड़ मार के कहता है, आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? और फिर शी चैंग कहते हैं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, एक ही मुलाकात में?
नहीं, जब से तुम्हें देखा है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। और फिर आचिंग नाराज़ होकर कहता है, विंग ने मुझे बताया था कि आपका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, आप कमिटेड हो, फिर आप मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? या फिर आप ऐसे ही हो, या फिर शायद आपका भाई भी ऐसा ही है। ध्यान रखिए, अगर आपके भाई ने कभी भी मेरे भाई को धोखा देने की हिम्मत किया तो जान ले लूँगा। कहकर आचिंग नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। आशिक चैन का मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम बहुत अच्छे हो। और फिर शिचैनका की आंखों में थोड़ी सी उदासी और परेशानी आ जाती है। वो सोचने लगते हैं, हाँ ये बात तो सच है, मैं कमिटेड हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, मैं परेशान था, उतने में ही मेरी ज़िंदगी में याव आया। वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करता था, मुझे भी धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा, और कब मैं उसके साथ रिलेशन में आ गया मुझे खुद भी नहीं पता था। पर अब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है, मैं याव को मना कैसे करूं? समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करूं। दूसरी ओर याव जो अपनी मम्मा के पास था, वो अपनी मम्मा से कह रहा था कि अब फाइनली मुझे एक रिच मैन मिल चुका है, मैं उससे बहुत सारे पैसे लूँगा और आपका इलाज कराऊँगा। चिंता मत कीजिए मम्मा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतने में ही एक डॉक्टर अंदर आते हैं और कहते हैं, आपको बाहर जाना होगा। वो डॉक्टर काफ़ी बुज़ुर्ग थे और याव की फैमिली को अच्छे से जानते थे। वो याव के फादर के फ्रेंड थे। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन याव के फादर बहुत ही बुरे इंसान। याव जब बाहर जा रहा था तो डॉक्टर उसे पकड़ कर कहते हैं, याव तुम्हें पता है ना, अब इलाज में ज़्यादा पैसे लगेंगे, तुम्हारे मॉम बहुत दिनों से कोमा में हैं, उनके ऑर्गन्स अब काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, लगता है वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगी। और फिर याव रोते हुए कहता है, नहीं डॉक्टर अंकल, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे मेरी मम्मा को नहीं खोना, पापा तो मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, मुझे थोड़ा सा प्यार सिर्फ मेरी मम्मा से ही मिलता है। और फिर डॉक्टर नाराज़ होकर कहता है, तुम्हें प्यार कहीं और से भी मिलता था, लेकिन तुमने उसका कदर नहीं किया, सिर्फ पैसों के लिए तुमने विंग को छोड़ दिया। और फिर याव अपनी नज़रें झुका लेता है और कहता है, हाँ मैंने ऐसा सिर्फ अपनी मम्मा के लिए किया। और फिर डॉक्टर नाराज़ होकर कहता है, आज तो विंग का वेडिंग रिसेप्शन है ना? और फिर याव रोते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम अभी भी उसे प्यार करते हो? याव हाँ कहता है। और फिर याव कहता है, वो मेरे सामने ही रहेगा, मैं लैन शिचैन से शादी करूँगा तो उसे रोज़ देख सकता हूँ। कोई बात नहीं अंकल, मैं सुकून में ही रहूँगा, मुझे बस मेरे मम्मा को ठीक करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर याव रोते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। याव बहुत ही एब्सेंट माइंडेड था, वो सड़क पे चल रहा था और अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकता है। उसका बस एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन फाइनली वो बच गया। याव गुस्से में उस गाड़ी के ओनर को कहता है, ए इडियट, बाहर निकलो। वो आदमी इडियट सुनकर तो बहुत नाराज़ हो गया। वो बाहर आया और कहने लगा, यू स्टूपिड बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे इडियट कहने का? और फिर याव कहता है, हिम्मत होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो कोई भी कह सकता है, तुम इडियट ही हो, वरना एक इंसान के सामने से ऐसे गाड़ी तुम कैसे चला सकते हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? और फिर वो आदमी कहता है, ठीक है अब सीन क्रिएट मत करो, कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं दे देता हूँ। और फिर याव कहता है, अच्छा जितने पैसे चाहिए तुम अभी दे दोगे, तो ठीक है 10 करोड़ निकालो। 10 करोड़? तुम तो जिंदा खड़े हो, अगर तुम मर भी जाते फिर भी मैं 10 करोड़ नहीं देता। और फिर याव मुस्कुरा कर कहता है, क्यों, अभी तो पैसों की बात कर रहे थे, इतनी भी हैसियत नहीं है तो पैसों की बात कर ही क्यों रहे थे? और फिर वो आदमी परेशान हो जाता है और कहता है, इस लड़के से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी मैं नहीं जीत पाऊँगा, कहकर वो वहाँ से जा रहे थे। और फिर याव कहता है, ओ हेलो, पैसे देकर तो जाओ। वो आदमी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है और याव ज़ोर ज़ोर से अपना पेट पकड़ कर हंसने लगता है और कहता है, फिर कभी ये किसी के सामने पैसों की बात तो नहीं करेगा, कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और उसके आसपास के लोग भी अब हंसने लगे थे,
क्योंकि ये कांड हमेशा थोड़ी देखने को मिलता है कि कोई अमीर आदमी इस तरह दुम दबा के भाग जाए। और फिर वो आदमी सीधा विंग के रिसेप्शन पार्टी में चला जाता है और जाकर शी चैन से मिलता है और कहता है, दोस्त कैसे हो? और फिर शी चैन भी उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो आदमी कहता है, अपने छोटे भाई की शादी की सजावट कर रहे हो गधे, पहले तुम्हें शादी करना था ना? और फिर शी चैन कहते हैं, छोटे भाई को पहले शादी करना था तो करवा दिया, मेरा अभी भी लटका हुआ है, वैसे भी मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी मुलाकात कल ही हुआ। और फिर वो आदमी कहते हैं, अच्छा तुम्हें वह लड़का मिल गया जिसने तुम्हारा जान बचाया था? हाँ मुझे वो मिल गया, वो देखो जंगशा नाम है उसका, जियांग चैंग। और फिर नी मिंगजू जियांग चैन की ओर मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। तो फ्रेंड्स, याओ की जिससे बहस हुआ वो आदमी और कोई नहीं, हमारा नी मिंगजू था। वो शी चैन गा का फ्रेंड है और हमारे विंग और वांग जी के वेडिंग रिसेप्शन में आए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहीं पर स्टॉप होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय।